मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाओगे तुम। कौन खुशी से जाने के लिए आता है? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नहीं मरने दूंगी। अधीर, आपकी बातों ने मुझे सिर्फ अजियत दी है और कुछ नहीं। हाँ, मैं रहूंगी आपके पास हूँ, इसी घर में रहूंगी, लेकिन बात नहीं कर सकती। अशर भाई, गुलजाना को पसंद करते हो ना? हाँ, पसंद करता हूँ मैं उसे। लेकिन पसंद तो सिर्फ मैं करता हूँ ना दिल साहब, और वो भाई समझती है मुझे अपना। आशीष भाई की शादी में मैं जाऊंगी कराची वापस, और वापस नहीं आऊंगी। मन माने ना, मन माने ना। अदील, वो गीजर काम नहीं कर रहा। गीजर काम नहीं कर रहा? तुमने ठंडे पानी में हाथ डाल दिया? बीबी जल्दी चली गई थी ना, कुछ बर्तन रखे थे, मैंने सोचा धो लूं। ये तो बहुत ठंडे हो रहे हैं। तुम्हें बुखार हो गया तो? हाँ, बेवकूफ, तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बीबी कल आएगी, देख लेगी, उसको अपने काम करने दो, तुम मत हाथ लगाओ। आपको दवाई दे दो। नहीं, दवाई जैसी नाम की चीज से मुझे चिड़ होने लगी है, तंग आता हूँ, आसपास होती है तो मेरे मुंह का जायका बहुत खराब हो गया। लेकिन लेना तो बहुत जरूरी है ना दवाई? नहीं चाहिए। हाथ छोड़ने में दवाई देते? नहीं चाहिए। मैंने, अरे वैसे भी मुझे अपने काम करने की खुद आदत डाल लेनी चाहिए। आज सर्दी बहुत है। थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लो, तो ऐसे भी तुम जा ही रही हो। मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, घर नहीं जाना।
इतने दिनों बाद बाहर निकला तुम्हारे साथ, अच्छा लग जाए। ठीक है, संग दिल बढ़ाए लम्हा हुआ है, वादों का दर्पण टूटा हुआ है। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अदीला पहले से बहुत बेहतर हैं, ऑफिस भी जाने लगे हैं अब तो। मेरी बात करवाओ उनसे। इस वक्त घर पे मौजूद नहीं है। अच्छा, मेरा सलाम फिर ज़रूर कहना। कोई और बात कर सकती हो हम ना? वैसे कब तक आ रहे हो तुम लोग? जल्दी आऊँगी कराची तुम लोगों के पास। पता है तुम सबको बहुत मिस करती हूँ, यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। बस आ जाओ फिर हम यहाँ रौनक लगाएंगे। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ, कोई काम था? नहीं, तुम बताओ। अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ, या तो चाचा और बीबी को बोल देता हूँ। मैं ये देने आया। ये क्या है? कुछ पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मुझे इनकी जरूरत नहीं है दीर। हाँ, अभी जरूरत नहीं है, आइंदा तो हो सकती है। रख लो, इनकार नहीं कर। मेरी सर्विसेज का मुआवजा देना चाहते हैं? ठीक है, रख लेती हूँ। सही कहते हैं, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती। अब आपके पास कुछ नहीं है मिस्टर रदील कमाल, सिवाय अफसोस के। राणा से मिलकर आए हो ना बेटा? कैसे थे वो दोनों? ठीक है, ठीक है। अच्छा, बड़ी परेशान हूँ राणा की तरफ से मैं बेटा। बड़ी तकलीफें उठाई हैं मेरी बच्ची ने, मैं तो भेजना भी नहीं चाहती थी उसे। अब जब रिश्ता ही खत्म हो गया तो, पर भाई साहब के सामने इनकार नहीं कर सकी। पता नहीं किस दिल से रह रही होगी मेरी बच्ची। अदील के मिजाज में बड़ा बदलाव आ गया है खाला। उस हादसे ने बहुत बदल दिया है उसे। सच? बहुत बदल गया है वो अब। वैसे बड़बड़ के बातें भी नहीं करता है। और नाना ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, फिक्र मत करें। अच्छा, अदील को एहसास हो गया है कि अपनी गलतियों का? हाँ, ऐसा लगा मुझे। अच्छा, फिर तो शायद राना भी अपना इरादा बदल ले। नहीं खाला, ऐसा नहीं करेगी। बच्ची है ना, समझती नहीं है कि इस सोसाइटी में अकेली औरत का जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। समझाओ ना उसे, तुम्हारी तो बहुत सुनती है। आप खुद कैसे आ गए? अभी गुलाम रसूल छोड़ के गए। इतनी देर कर दिया जाने में? हाँ, ऑफिस में काम इतना था, सोचा थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ जाऊँ। तो मुझे बाजार जाना था, कुछ चीजें खरीदनी थी, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो गई क्यों नहीं? बीवी को घर पे छोड़ के चली जाती ना? नहीं, वो अशोक भाई की शादी है ना, उसी सिलसिले में कुछ चीजें खरीदनी थी तो मुझे देर हो जाती, इसीलिए नहीं गई। चलूं साथ? नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करें, मैं खुद चली जाऊँ। अच्छा, खाना गर्म करूँ आपके लिए? नहीं, तुम जाके शॉपिंग करो। खाना खा कर आए? नहीं, मैं कर लूंगा गरम, या बीबी को बोल दूंगा। अच्छा सुनो, अशर के और उसकी फैमिली के लिए सबके लिए कपड़े लेना, पैसों की फिक्र ना करना, सबके लिए गिफ्ट लेके जाना, एंजॉय करना। चलो चाय लाती। नहीं नहीं, चाय नहीं, चाय नहीं। क्यों, तुमने तो कभी चाय को इनकार ही नहीं किया, क्या हो गया? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तबीयत जी ठीक हूँ बिल्कुल। लाइए चाय, ले। अरे सर साहब, मैं बंद कर देता हूँ। साहब मैं बंद कर देता हूँ, छोड़ दो। इन हाथों से अपना काम करने का मजा क्या है, ये तो मुझे पता ही। अब चले, मैं कुछ कह रहा हुआ करूँ, मुझे रोका मत करें प्लीज। ठीक है सर, आप जा सकते। रुको चाचा, बात कहूँ? थैंक यू, यू आर वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम आलिया बाजी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और कब आ रही हो? हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाय, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं, यहाँ से क्या लेके आऊँ आपके लिए? कढ़ाई वाली शॉल। कढ़ाई वाली शॉल? लेकिन कराची में तो इतनी गर्मी है, गर्म शॉल रख के क्या करेंगी आप? अच्छा ये बताएं, अशर भाई की शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? ठीक चल रही है। ठीक है ना वो? उनकी तबीयत ठीक है। अच्छा ठीक है, चले मैं फिर आपसे बात करूंगी, खुदा हाफिज। क्या
क्यों जिंदगी के हाथ से छूटे किनारे, डर है कहीं खो जाए ना अपने हमारे। हाय दीन। हाय रूबी, कैसी हो तुम? फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने तुम्हारे इसी डैन के बारे में सुना था, मुझसे रहा नहीं गया। अब कैसी है तबीयत? बहुत बेहतर हूँ, बैठो। सलाम अलैकुम। ये कौन है? मेरी बीवी है, कुले राना। तुमने शादी कर ली? सुना था मैंने, लेकिन तुम्हारी वाइफ। लव मैरिज है मेरी। कहाँ जा रही हो? मैं आप दोनों के लिए चाय भिजवाती हूँ। नहीं, चाय का मैंने कह दिया, बैठो हमारे साथ बातें करो, मेहमान आए हुए। अदील मैं आती हूँ। मैंने तो सुना था तुम्हारे अपनी बिचिस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन तुम तो खुश लग रहे हो। बहुत खुश। गुले राना को कॉल लगा रहे हो? मैं नंबर लगा दूं? अपनी फ्रेंड के सामने मुझसे इतनी मोहब्बत का ड्रामा क्यों कर रहे थे? ड्रामा? तो और क्या था? मोहब्बत थी? तुम्हें मेरी मोहब्बत हमेशा ड्रामा ही लगी है ना? कभी मुझ पे यकीन नहीं कर सकी। आपने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं, हमेशा अपनी ख्वाहिशात को ही तरजीह दी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था मैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत तो मुझे बदल सकती थी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे सीधे रास्ते पे ला सकती थी। क्यों, मैं क्यों जान मारती? मेरे ख्वाबों को जला के राख करने वाले में, मुझे हकीर समझने वाले में, मुझे खिलौना जानने वाले में मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी? ये गिले फजूल हैं। मुझे एहसास दिलाने में कि मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुआ और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा हक है। किसी को कुछ ना समझना, सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देना, इसमें बड़ी पुप्पा छोटी पुप्पा का हाथ। वो दोनों जानते थे कि अगर मैं शायद आंटी को मां समझने लगा और उनको वो इज्जत देने लगा जिसकी वो हकदार थी, तो ये छोटी पुप्पा और बड़ी पुप्पा के हक में गलत साबित होता।
वो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे और मैं उनके हाथ में इस्तेमाल होता गया। इसीलिए तो मैं रिश्तों के हजूम में अब तक इतना अकेला तन्हा। ये मायूसी आरजी है, थोड़े ठीक हो जाएंगे तो फिर पहले की तरह सोचने लगेंगे। दुनिया अपनी मुट्ठी में महसूस होगी आपको। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, नो वरी। ऐसा नहीं होगा, इस मजूनी में, इस बेबसी में बिस्तर पे लेटे हुए मैं और कुछ सोच ही नहीं सका। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, जो मैं जिंदगी भर करता आया हूं, सोचा समझा। मैं पहले वाला अदील का मालिक नहीं बन सकता। बहुत गंदा इंसान था, अब मेरे लिए जो मेरी जिंदगी में लोग हैं उनकी ख्वाहिश मेरी पहली प्रायोरिटी है। मैं उसे ही तरजीह दूंगा, इसीलिए तो तुम जा रही हो। रिश्ता वो जिसको फूलों से बांधा, कांटों में अब क्यों उलझा हुआ है। हेलो, कहाँ थे? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? टाइम का अंदाजा भी है आपको? इतनी देर कर दी, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी। नहीं गुरराना, मैं चल सकता हूँ। ठीक हूँ, मैं पहले भी लेट आता था, अब क्या हुआ? राना, क्या हुआ?
आधी रात को घर आए और शोर कर रहे हैं। भाई तुम आधी रात को बेडरूम में नहीं होगी तो देखूंगा ना कहाँ हो तुम। क्या कर रही हो? खाना खा रही हूँ। खाना इस वक्त? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, भूख लग रही थी, खाना नहीं खाया था मैंने। लेकिन क्यों नहीं खाया था? मुझे लगा था कि आप टाइम पे आ जाएंगे घर तो हम साथ खाना खा लेंगे। I'm so sorry, राना, मुझे नहीं पता था कि तुम खाने पे मेरा इंतजार करोगी। मैंने सोचा तुम मेरा क्यों इंतजार करोगी खाने पे, मतलब पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। खाना खा लेना चाहिए था। खा तो रही हूँ, आपका कोई कसूर नहीं। आलिया बाजी, कैसी हैं आप? कुलेरा ना, अशर भाई नहीं रहे। आलिया बाजी, अशर भाई हम सबको छोड़ के चले गए इस दुनिया से। आलिया बाजी, ऐसा मजाक नहीं करते। वो इस दुनिया से चले गए, मर गए वो। नहीं, मुझे शादी की थी, मैंने उनकी शादी की थी। नहीं, नहीं,
तुम्हें कराची जाना है? अभी जाना है। अभी जाना है। जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं, रिश्तों की माला बुनता नहीं, शिकवे गिले क्यों मिटते नहीं, खुशियों के से झूठे किनारे। मन माने ना, मन माने ना, करता फिरे मन मानिया। सलाम साहब। सलाम साहब। साहब ये मेरा दामाद वली मोहम्मद है। बैठो। कैसे वली मोहम्मद? ठीक हो साहब? दिखने में तो अच्छे पढ़े लिखे लगते हो, ये सब कुछ क्या कर रहे हो? वली मोहम्मद एक शरीफ पाकेदार बीवी से बड़ी नेमत और कोई नहीं है। और हकीकत तो ये है कि औरत होती ही पाकेदार है, उसे पाकेदारने वाले तो हम जैसे मर्द होते हैं। मर्द की हवस औरत को कुछ से कुछ बना देती है। ये बेटियां, ये आजमाइश नहीं है, ये इनाम है। इनकी इज्जत करना, इनसे मोहब्बत करना और इनका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। अपनी मैदानगी के गुरूर में अपने फराइज से मत भागो। जब एक वाकेदार वफादार औरत तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी ना, तब तुम जानोगे क्या खो दिया तुमने। ये घर, ये दौलत, ये सेहत, हत्ता कि जिंदगी सब फसूल लगता है।
संग दिल बढ़ाए लम्हा हुआ है वादों का दर्पण टूटा हुआ है जैक एंजल went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown. And Jill came tumbling after. Jack and Jill आँखों से नींदें रूठी हुई हैं ख्वाबों की लड़ियाँ सूखी हुई हैं कच्चे घड़े पर रखी थी खुशियाँ की नदी में डूबी हुई है कोई जाने ना कोई जाने ना दिल की लगी मन माने ना मन माने ना मौसम कितना अच्छा हो रहा है हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा हसीन नहीं मन माने ना मन माने ना करता मेरे क्योंकि मैं उसके सिर्फ जिद हूँ एक जिद इससे ज्यादा मेरी कोई अहमियत नहीं है उसकी जिंदगी में जिद्दी बड़ा है सुनता नहीं मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये रिश्ता जबरदस्ती का है और कुछ नहीं रिश्तों की माला बुनता नहीं शिकवे गिरे क्यों मिटते नहीं खुशियों के मोहब्बत नहीं कर सकती क्यों जिंदगी के हाथ से झूठे किनारे अगर मुझ में कोई मसला है तो मुझे ठीक करो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा डर है कहीं खो जाए ना अपने हमारे